बाकी कुछ कविता जी भी आपको बताएगी अपना, सॉरी दिव्या जी, दिव्या जी आपको बताएगी दिव्या जी इस फिल्म के जर्नी के बारे में। मुझे ज़्यादा नहीं बोल सकती इसके बारे में क्योंकि कल ही मेरा मेरे को फाइनलाइज किया है सुजीत जी ने और आज मुझे सेट पे बुला लिया। बट हाँ, जो मेरा कैरेक्टर जो मुझे एक्सप्लेन किया गया उसमें बहुत इंस्पायर हूँ और इसलिए मैं ये मूवी कर रही हूँ क्योंकि ये कैरेक्टर शायद मुझे आगे कोई नहीं देने वाला है ऐसा कैरेक्टर करने के लिए क्योंकि इट्स वेरी टोटली डिफरेंट, दैट्स व्हाई। अपने कुछ कैरेक्टर के बारे में बताइए कि क्या कैसा मेरा कैरेक्टर ऐसा है कि मैं सप्लाई करती हूँ बच्चों का शोषण कराने में मेरा बहुत बड़ा हाथ है। विलेन, या यू कैन से विलेन, सीरियसली। बेसिकली जैसे आप देखेंगे कि जैसे एक मेन जो लेडी होती है जो पूरा कंट्रोल जिसको करती है, पूरे अंडरवर्ल्ड को जो कंट्रोल करती है सर, वो एक लेडी का रोल है इनका और बहुत ही अच्छा रोल है और बहुत मतलब ये बहुत ही डेयरिंग बात दिखाई गई है जो किसी से डरती नहीं, चाहे वो मंत्री हो चाहे पुलिस हो, जो भी काम करती है बहुत ही बिंदास करती है। बट इनके साथ भी कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से आज ये पोजीशन पे पहुंची है, वरना एक्चुअली शुरू में ये भी वैसे नहीं थी सर, लेकिन मजबूरी जैसे बोलते हैं कि किसी को कुछ ना कुछ कर देती है, तो उनके साथ भी ऐसा कुछ हादसा हुआ था, इनके साथ भी शोषण हुआ था जिसकी वजह से इन्होंने सोच लिया कि अब मेरे साथ जो है मैं दूसरों के साथ भी करूँगी, छोड़ूंगी नहीं ये सिर्फ। तो वही एक कैरेक्टर, लेकिन बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है मेरे हिसाब से और डायलॉग डेफिनेटली काफ़ी बोल्ड है सर पिक्चर के अंदर। तो मेन यही है कि हम चाहेंगे कि इसे अच्छे से अच्छा इसको रिलीज़ करें, अच्छे से अच्छा इसके लोगों के सामने प्रदर्शित करें और लोगों को कुछ मैसेज मिले। ऐसे प्रोड्यूस करने में कितना टाइम लगा? प्रोड्यूस करने में मतलब अभी तो शुरू ही है, टाइम तो अभी थोड़ा लगेगा वैसे, बेसिकली अभी शुरुआत ही हो रही है अभी तो एक बार अगर ये शुरू हो जाएगा तो मैं समझता हूँ 6 महीने के अंदर इसको ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद में रिलीज़ करेंगे। जैसे मैंने पहले भी बताया कि अगले हफ्ते हम लोग का अगले इसमें सितंबर में एक मूवी रिलीज है जिसका नाम है डेंजर सर। लास्टली मैं मैसेज यही देना चाहूँगा कि काफ़ी अच्छी मूवी है और मैं चाहूँगा इसे बच्चे भी देखें, इसे माँ बाप भी देखें, इसे समाज भी देखें और इसे जो समाज को जो कंट्रोल करते हैं वो भी देखें और सबके लिए मैसेज है और सब मिलके आफ्टर ऑल एंड ऑफ द डे मतलब यही कहूँगा कि फिल्म बहुत एक अच्छा है, एक अच्छा मैसेज है और सबके लिए मूवी है सर। इसी नहीं दोनों मैसेज दे रहे हैं सर, बच्चे भी इसमें काफ़ी डेयरिंग बात दिखाए गए हैं जो काफ़ी कोशिश करते हैं, भागने की कोशिश करते हैं, लड़ने की कोशिश करते हैं, बट डेफिनेटली वो बच्चे ही हैं, बट उनके साथ एक अच्छा ग्रुप है जो मिलके काम करते हैं एंड आगे जाके जो होता है एंड ऑफ द डे हैप्पी एंडिंग होता है कि लास्ट में ये दिखाया गया कि मैसेज अच्छा मिल जाता है लोगों को, उससे फायदा होता है ये चीज़ें। क्या डिफरेंट है? सी डिफरेंट मैंने बताया ना कि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई गई है जो शायद पहले शायद किसी फिल्म में ऐसा नहीं दिखाया गया सर। जैसे पहले भी आई है जैसे स्लमडॉग मिलियनेयर वगैरह भी काफ़ी मूवीज़ आई हैं ऐसे, लेकिन इसके अंदर जैसे हमने बताया कि बच्चों का जो शोषण होता है, बच्चों की जो किडनीज निकाली जाती है या बच्चों को जो जैसे कुछ फॉरेनर वगैरह आते हैं उनको उनके साथ फिर बच्चों के साथ उनके साथ क्या क्या गलत वो लोग करते हैं या मतलब जो दो नंबर का जो बिजनेस करते हैं वो मतलब इतनी हद तक गिर जाते हैं कि बच्चों को बेचने में उनको कुछ नहीं होता है, फील नहीं होता है, वो बच्चों को बेच भी देते हैं और फिर बच्चों के साथ गोरे गोरे जो बच्चे होते हैं फिर उनके साथ क्या क्या होता है, फॉरेनर्स लोग के साथ बहुत अच्छा काफ़ी डिमांड होता है वो चीज़ का एंड वो एक कहानी दिखाई गई कि अगर आप चाहें तो इसको रोका जा सकता है सर। इसीलिए थैंक यू सर।